नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवी 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अपराजिता। चलिए रुक करते हैं झारखंड की एक खबर पर। बाबा बासुकीनाथ धाम में महाशिवरात्रि की तैयारियां शुरू हो गई है। महाशिवरात्रि के करीब आते ही बाबा बासुकीनाथ मंदिर सहित मंदिर प्रांगण स्थित सभी मंदिरों का रंग लगाव किया जा रहा है। आगामी 8 मार्च को बरेली धूमधाम के साथ शिव पार्वती विवाह उत्सव मनाया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां शुरू पर है। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा बासुकीनाथ धाम पहुंचते हैं और शिव पार्वती विवाह उत्सव में शामिल होते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर बाबा बासुकीनाथ धाम में भव्य और आकर्षित झांकी भी निकल जाती है। महाशिवरात्रि की तैयारी में कोई कमी न रह जाए, इसको लेकर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। महाशिवरात्रि को लेकर दुमका के SDM कौशल कुमार पंडा, धनवृक्षणी सभा के पदाधिकारियों, सदस्यों एवं बासुकीनाथ के गणमान्य नागरिकों, मीडिया कर्मियों के साथ एक अहम बैठक कर चुके हैं। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए पंडा धनवृक्षणी सभा के अध्यक्ष मनोज पंडा ने बताया कि महाशिवरात्रि की तैयारी को और अधिक भव्य रूप कैसे दिया जाए, इसको लेकर बैठक में चर्चा की गई। साथ ही महाशिवरात्रि के अवसर पर पूरे बासुकीनाथ मंदिर क्षेत्र को लाइटनिंग और फूलों से दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। साथ ही साथ बासुकीनाथ आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। इसके पूर्व जो बैठक हुई थी समाहरणालय दुमका में, DC साहब के समक्ष प्रस्ताव लिया गया था कि स्थानीय आदमी को जोड़ करके और इस बार शिवरात्रि उत्सव को भव्य रूप देना चाहिए, और उसी के संदर्भ में आज स्थानीय प्रशासन, यहाँ के पंडा धर्मपुंज सभा के सभी सदस्य, कुछ स्वयंसेवक, प्रबुद्ध नागरिक, व्यवसायी वर्गों को लेकर के बैठक किए, और उम्मीद है कि इस बार की शिवरात्रि पूर्व से अच्छा रहेगा और भव्य रहेगा। उसमें तरह तरह का निर्णय भी लिया गया कि पूरे बासुकीनाथ को दुल्हन की तरह सजाया जाए, और जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, धर्मक्षिणी सभा, ये सब मिल करके स्थानीय नागरिकों से ये अपील भी किए हैं कि जैसे आप दीपावली में, छठ पूजा इत्यादियों में अपने घरों को सजाते हैं, वैसे महाशिवरात्रि के दिन बाबा भोलेनाथ का महोत्सव है, उस दिन भी आप अपने अपने घरों को दुल्हन की तरह सजावे हैं। और प्रशासनिक व्यवस्था भी, इस पर भी विचार हुई, वो भी अच्छी व्यवस्था होगी, ये मुझे विश्वास है। मैं मनोज पंडा, अध्यक्ष धर्मक्षिणी सभा बासुकीनाथ। खबरों के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी झारखंड से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे GVN 24।